हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और भाई आज फाइनली रिलीज हो चुका है पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट। ये पहली बार मैं मतलब 4-5 साल में ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने कोई ट्रेलर्स नहीं देखे, मतलब एक देखा है ट्रेलर स्टार्टिंग वाला, पर मैंने कोई लीक्स नहीं देखे, मैंने रिव्यूज़ नहीं देखे, और मेरा बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव होने वाला है इस गेम पर। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और वो पुरानी वाली फीलिंग आने वाली है भाई, जब हम गेम्स खेलते थे कुछ भी नहीं पता होता था क्या किस चीज़ में तुम्हारा स्टार्टर इवॉल्व होगा, पोकेमोनों के नाम क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो मतलब वैसी वाली फीलिंग आने वाली है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड मान। हम लोग जल्दी से अपना एक कैरेक्टर चूज करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बार लड़की वाले कैरेक्टर से जाता हूँ यार, क्योंकि आई ऑलवेज चूज अ बॉय, बट न इस बार FFG से मैं ये चीज़ छीनने वाला हूँ। FFG हमेशा गर्ल कैरेक्टर लेते हैं। ओ यार, ये तो गलत हो गया। नाम क्या रखूँ मैं? ऋषभ तो रख नहीं सकते भाई, नहीं तो तुम लोग मजाक उड़ाओगे। क्या रखे नाम इसका? कुछ अच्छा होना चाहिए। जियो कितना अच्छा नाम है भाई, रखते हैं FFG यार। मुझे वैसे ही कुछ रखना है, मुझे ऑनेस्टली कोई नाम याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे भाई अभी 3 मिनट से बैठा हूँ, 4 मिनट से बैठा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ यार। तो मैं कुछ भी रखने वाला हूँ, मुझे कुछ भी आएगा मैं रख दूंगा। मैं रखने वाला हूँ एना। नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही जेनरिक है भाई। मैं क्या रखूँ यार, मैं रिक्स रख रहा हूँ। आई डोंट नो ये अच्छा नाम है या नहीं है लड़की के लिए, बट आई रियली डोंट केयर। मुझे बस जल्दी से गेम में भेजो भाई। वेट अ सेकेंड, यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज योर हेयर इन ऑल हियर ओनली। ये क्या, ये तो सही चीज़ है काफ़ी। और एक सेकेंड, ये क्या बात हुई भाई? मैं आई थिंक मैं लड़कों की हेयर भी रख सकता हूँ लड़कियों पे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाली हेयर ज़्यादा लड़कों के लिए होती है, लड़के वाले कैरेक्टर के लिए। बट आई थिंक यू कैन डू दैट इन दिस गेम। नाइस यार, सही। ओ ये वाली हेयर मुझे अच्छी लग रही है। आई माइट जस्ट गो विद दिस वन एक्चुअली। ये भी अच्छी है। आई लाइक शॉर्ट हेयर ऑन वुमेन, ये वाली बेस्ट है भाई, ये वाली बेस्ट लग रही है मुझे। आई मीन दिस इज ऑल्सो प्रिटी गुड, पर आई थिंक ये बेस्ट है। पर जल्दी से देख लेते हैं भाई, जिससे हम लोग कुछ मिस ना करें। पिक्सी कट ना ना। ओ ये क्या था? स्पेस बंस? नहीं भाई, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। या आई एम गोना गो विथ व्हाट वाज इट कॉल्ड, लॉन्ग बॉब। या चलो लॉन्ग बॉब करने वाला हूँ भाई मैं। मस्त लग रही है हेयर स्टाइल। एंड और क्या कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है भाई हमारे पास? क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाए स्टार्टिंग से। आई शेप चेंज तो कर सकते हो तुम, पर ये क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास भाई? व्हाट द हेल, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस है इस बार। डैम, ओके। ज़्यादातर तो आई थिंक मैं डिफॉल्ट वाला ही रखने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सब में ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है, सुनियो जैसी लगने लग रही है, तो मैं यही रखूँगा। एंड आई कलर ऑल्सो आई प्रेफर एक्चुअली, सो आई एम गोना कीप दैट। आई थिंक ये सब तो तुम वैसे भी चेंज कर सकते हो ना, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई एम गोना कीप दिस, मुझे ऑनेस्टली इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता यार। हाँ सही है यार, मैं क्या ही करूँ भाई इनमें। चलो चलते हैं, निकलते हैं भाई। यप, वी आर गोना गो विद दिस लुक, लेट्स गो। रेडी। वहाँ पे वैसे कुछ लिखा होता है रेड में कि इफ़ यू स्टार्ट द गेम कुछ तो होगा, बट आई डिडंट रियली पे अटेंशन। एंड ये क्या है? एनरोलमेंट एप्लीकेशन, नारंजा एकेडमी। ये नारंजा एकेडमी तो इंडियन नाम लग रहा है भाई। ये क्या इंडिया में सेट है क्या? ये पता नहीं भाई, मेरे को लगता तो नहीं है, ट्रेलर से तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी, पर देखते हैं चलो। वैसे हाँ, इस बार मैंने भाई बिल्कुल भी लीक्स नहीं देखे। पिछली बार मैंने आई थिंक स्वर्ण शील के टाइम पे वो बीच वाले इवोल्यूशन तो देख लिए थे स्टार्टर्स के, पर इस बार तो मुझे वो भी नहीं पता। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, जेन्युइन रिएक्शंस मिलेंगे। टेकिंग लेसन्स फ्रॉम ट्रेडिशंस, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर। ये क्या चल रहा है? एड चल रहा है क्या किसी चीज़ का? ऐसा लग रहा है मुझे। इट्स टाइम फॉर यू टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन। ये प्रोफेसर है क्या यहाँ की? लग तो नहीं रहा, ये हो सकता है। पर डायरेक्टर क्लाविल, हेड ऑफ नारंजा एकेडमी। ये नारंजा एकेडमी मेरे दिमाग में रहेगा भाई, ये चीज ऑनेस्टली भाई इंडियन सा नाम लग रहा है। ओ तो ये है हमारा मैप भाई इस बार, यार ये तो काफी सही है। तो तुम्हारे पास लाइक टॉप लेफ्ट में डेजर्ट है, आई थिंक काफी सारे जिम्स भी देख रहा हूँ मैं। टॉप राइट में भी एक और डेजर्ट है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे पास कोई स्नो वाला है आई थिंक बीच में जो, अच्छा वो है ना टॉप में है ना स्नो, बीच में जो है वो तो कुछ ऐसे डेथ माउंटेन टाइप्स लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्रेजी होने वाला है एकदम एंड में गेम के। पर फिलहाल लेट्स सी वेयर वी स्टार्ट आउट। आई थिंक प्लेन्स में ही हम लोग स्टार्ट आउट करेंगे इन ग्रासी लैंड।
It is also, of course, home to the mysterious creatures known as Pokemon. They reside here in great numbers, in fact. ये तो पहले जैसे इंट्रो होते थे वैसे हो रहा है भाई, एकदम वैसे हो रहा है भाई जैसे प्रोफेसर रोमन इंट्रो करते थे ना। ई का है भैया, ऐसे डंपलिंग जैसा मस्त लग रहा है, क्यूट क्यूट। ई ए नाम तो पता है उसका लड़के। Pokemon can be found living all over in the seas, in the skies, even in our cities and town. Damn boy, bhar infrastructure to kya banaya inhone is bar. We humans coexist with Pokemon as we both help one another live and thrive. Chalo Naranja Academy ka add karna band karo tum. Nahi sunna hame ye sab. Hame Pokemon pakda do bas ek. Baki hum log dekh lenge, theek hai? Are baap re. Are Gen 1 ke Pokemon bhi hai, nice. Matlab सारे हों तो अच्छी बात हो, वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा सारे होने वाले हैं क्योंकि फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। इट इज़ विद इन दीज वॉल्स दैट यू विल फाइंड योर फ्रेंड्स। अच्छा ये नारंज अकेडमी के ऐड ही है भाई, पक्के से देखना, हमारा कैरेक्टर टीवी पे देख रहा होगा आई एम प्रिटी श्योर। ओके अचानक से ये कौन आ गया भाई? ओह या मैं वैसे पोकर स्कारलेट खेल रहा हूँ, वायलेट आई थिंक एफएफजी वायलेट खेल रहे हूँ, और आई थिंक अमृत भाई भी वायलेट खेल रहे हैं, नॉट श्योर। अरे 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 ये टोरस कुछ अलग नहीं लग रहेगा इसके, मैं ही पागल हूँ, हो सकता है मैं पागल हूँ, मतलब पता नहीं, पर अलग से लग रहा है मुझे। ये भी कुछ आई थिंक नया पोकन आया फ्लेमिंगो टाइप्स। डैम बॉय ये कौन सा पोकेमोन है भाई? ये कौन है भाई तू? गेम के कवर पे है वैसे पोकेमोन। ऐसा इंट्रो पहली बार देख रहा हूं मैं किसी पोकेमोन गेम के लिए, ऑनेस्टली नाइस। कुछ अच्छा ट्राई किया उन्होंने, कुछ नया ट्राई किया। आई एम इंटरेस्टेड टू नो भाई क्या पोकेमोन था वो, और काफ़ी सारे उन्होंने इंटरेस्टिंग पोकेमॉन दिखा दिए, और दैट वाज अ गुड इनसाइट इन लाइक द ओपन वर्ल्ड। तो अच्छा था, अच्छा इंट्रो था भाई काफ़ी। अब मैं वैसे गेम डेवलपर बन चुका हूँ तो थोड़ा मैं अपने उस वाले माइंडसेट से भी तो मैं बताऊँगा गेम के बारे में कि क्या गेम और अच्छा कर सकता था, क्या इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ऐसा ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके लेट्स गेट अप गर्ल, इट्स नो टाइम टू बी रीडिंग। बट अब पढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं है ब्रो, अब इट्स एडवेंचर टाइम गर्ल। यार ऑनेस्टली लड़की कैरेक्टर लेके बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, मैं लेता नहीं हूँ वैसे। ओके राइट स्टिक से आई कैन मूव, पर मैं मूव कर नहीं पा रहा था पहले। ओके दैट इज अ बिट वियर्ड, कंट्रोल थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं मेरे को इसके, मतलब मेरे को फुल कंट्रोल दिया नहीं है उन्होंने, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं पूरी तरह से लाइक 360 नहीं घुमा सकता अपना कैमरा, दैट इज अ बिट वियर्ड। ओके आई डोंट थिंक देयर इज गोना बी एनीथिंग हियर, निकलते ही हैं यहाँ से, एक बार निंटेंडो स्विच और देख लेते हैं। या लेट्स गो एक लास्ट ये चीज़ और देख लेता हूँ मैं। ओके मेरे को लगा मैप दिखाएंगे वो लोग, नेवर माइंड दो, देखते हैं जरा मम्मी जी हैं क्या इस गेम में फिर से, या पापा जी इस बार हमें बाइक करने वाले हैं। अच्छा स्कोबेट हमारी मम्मी है क्या इस बार, ऐसा कुछ कर दिया क्या उन्होंने? हेलो वो यह घर पे अभी है ना, मम्मी है ना, हमेशा मम्मी होती है यार, ऐसा नहीं कि पापा गुड बाय कर दें एक बार को, नहीं भाई गलत है ये पापा जी। गुड मॉर्निंग ग्रेक्स, मॉम काइंड ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल नॉट गोना लाई मैन, वो ऑलरेडी इन योर यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। वेल इट इज योर फर्स्ट डे एट योर स्कूल, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, स्टिल यू माइट वॉन्ट टू कूल योर इंजिन बिफोर यू गो रेसिंग आउट ऑफ द डोर। नो मॉम मैं तो एकदम फुर्र से निकलने वाला हूँ, घर वापस नहीं आने वाला मैं फिर से। द स्कूल कॉन्टैक्टेड मी एंड सेड दैट यू आर सपोज्ड टू वेट हियर अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, क्यों? अपेरेंटली देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट डे दैट स्टिल हैजंट अराइव्ड। ऐसा क्या है ब्रो, पोकेमोन तो नहीं है मेरे? हमारे पोकेमोन कहाँ रह गए भैया? कौन आया डोर पे जरा ये भी देख लें। यार घर में इंटीरियर बहुत अच्छा किया इन्होंने इस बार, यार पता नहीं मेरा उसमें ध्यान क्यों ज्यादा जा रहा है। इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, डू फॉरगिव द इंट्रूजन। अरे ये तो वो यूनिवर्सिटी वाले अंकल लग रहे हैं मुझे। यू आर मिस रिक्स राइट? आई एम बॉय,
On behalf of the academy, I must apologize. You may call me Mr. Clavel. Achha. The director? You came in person to meet my daughter. Someone's got a... I'm not gonna say this one. Feels very weird. ये क्या था? क्या पार्सल दे दिया आपने हमें भी तो बताओ. Can I at least offer you a cup of coffee? No. Okay, why don't you head back to your room, mummy? ये क्या बात हुई यार? मुझे कमरे में भेज दिया आपने. मैं तो एडवेंचर पर निकलने वाला था. ये क्या बात हुई यार? एडवेंचर चालू होने से पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने तो. ये कहाँ है भैया? मैं नहीं जा रहा वापस से. Hey, cute people. मैं तो यहीं पर रहूँगा. Is your room upstairs? No need to concern yourself with me. Go on. अच्छा ऐसा क्या? अरे यार ये क्या बकवास है भाई. ऐसे मतलब एडवेंचर चालू भी नहीं होने दिया भाई इन्होंने तो. What the hell? Okay, I mean as you say, whatever man. देखते हैं ज़रा क्या है. सो जाऊँ क्या मैं? मेरे बैग वैसे ऐसे चमक क्यों रहा है? कुछ है क्या इसके अंदर? अच्छा ये करना है मुझे. ओके नेवर माइंड. Yes, we are ready to go. All dressed up. Looking good, girl. You can press the X button to open the main menu. Blah, blah, blah. Yeah, okay. यहाँ पे actually save कर देते हैं. The first save of the game. Nice. चलो. ये bag में कुछ है क्या मेरे वैसे? Have I got some Pokeballs or something? एडवेंचर गाइड ज़रूर है पर who cares? I think mom हमें थोड़ी सी पोकर्स तो देंगी यार. मतलब इतना तो सामान देना चाहिए या थोड़े पोशंस. आई मीन वी डू डिजर्व समथिंग एटलीस्ट. ओ जस्ट लुक एट यू ऑल रेडी फॉर योर बिग फर्स्ट डे. यस मॉम. चलो टाइम पास करना बंद करो. डायलॉग बाजी बहुत हो गई. अब मुझे ये बताओ हमारे पोकेमॉन किधर हैं भैया? ए ये बोल रहे कुछ और भी भूल गया जो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्या? अभी तू कितना भूलता भाई. डायरेक्टर है कि क्या है तू? किसने बनाया भाई तेरे को डायरेक्टर में? क्या ही आदमी है भाई. आई वंडर व्हाट दिस इंपॉर्टेंट थिंग माइट बी. लेट्स फॉलो द डायरेक्टर. लेटेस्ट मॉम लेटेस्ट. देखते हैं जरा क्या गुड खिला रहे हैं. चलो एक हमें वैसे पहला ग्लांस मिलने वाला है इन दी ओपन वर्ल्ड ऑफ दिस गेम. पूरा तो नहीं दिखेगा पर ठीक है चलो थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा एरिया. Nice. Right then, dear Pokemon, time to come out of your Pokemon. एक सेकेंड मुझे अभी से मिलने वाला है क्या? ओके लुक्स लाइक हमें स्टार्टर्स गाइस अभी से मिलने वाले हैं जो कि काफी जल्दी है फॉर लाइक अ पोकेमॉन गेम. थोड़ा कुछ इंट्रो होता है कुछ होता है भाई उसके बाद मिलते तो हमें पर ठीक है. आई मीन कांट कंप्लेन. मुझे तो चाहिए था वैसे ही पोकेमॉन कभी ना कभी. वी प्रोवाइड ईच स्टूडेंट एंटरिंग द अकेडमी ऑफ पोकेमॉन ऑफ देयर चॉइस. मैंने तो भाई पहले से डिसाइड कर रखा है मैं कौन सा लेने वाला हूँ और मैंने बहुत पहले पोल भी किया था कि कौन सा लूँगा मैं. तो उसमें एक बंदा जीता था मैं उसी को लूँगा भाई अभी. स्प्रिगेटिटो द ग्रास कैट पोकेमॉन. आई मीन ऑनेस्टली ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है भाई. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कैट वीडियोज़ की रील्स वगैरह भेजते रहते हैं लोग इंस्टा पर तो मेरे को कैट्स भी पसंद आने लगी हैं तो पता नहीं मैं क्या पता वही चूज़ कर लूँ भाई. फ्यूको पता नहीं कैसे नाम लेते हैं इसका. आज तक मैं नाम ही ले पाया इसका सही से. द फायर क्रॉक पोकेमॉन. ओके ये आई थिंक ग्राउंड और फायर टाइप हो सकता है पता नहीं यार. एंड क्वैक्सली द डकलिंग पोकेमॉन. इसका मैं सेकंड टाइप फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ यार पता नहीं. आई थिंक फ्लाइंग भी हो सकता है ये मे बी पर उससे फिर मैं यार मेरे पास मेजर डिसएडवांटेज हो जाएगा यार इलेक्ट्रिसिटी से. वो एक दिक्कत है थोड़ी सी. चलो पर या मैंने पोकेमॉन जो सिलेक्ट किया था भाई पहले से ही वो था क्वैक्सली. लाइक ही लुक्स अमेजिंग. बहुत स्टाइल है इसमें एक कैरेक्टर है तो मैं सोच तो उसी को रहा था पर आई एम ऑल्सो लीनिंग अ लिटिल बिट टुवर्ड्स स्प्रिगेटिटो एक्चुअली. आई डू विश आई कुड स्टे हियर एंड सी विच वन यू विल चूज बट आई मस्ट बी ऑफ टू माई नेक्स्ट होम विजिट. ऐसा है क्या? ये हमारे घर के जस्ट सामने एक्चुअली कोई घर है. वो शायद हमारे राइवल का घर होगा भाई. ज़्यादातर तो यही होता है. ओके डायरेक्टर बाय बाय. बाकी तो पोकन वैसे लेके नहीं जाओगे क्या? मतलब ऐसे ही छोड़ के मेरे पास? मैं तो तीनों ही दबोच लूँगा भाई. मेरा क्या है? हड़प लो मम्मी. मैं तो बोलता हूँ हड़प लो. एक दो बोरी लाओ बोरी में पटको इनको. मजाक कर रहा हूँ मतलब वैसे तो. व्हाट अ मैनरली फेलो द डायरेक्टर ऑफ योर्स इज़ ही दो मम्मी.
These three are all lovely, but you need to ask yourself to choose one. Okay. I mean, I don't really have to because मैंने choose कर रखा है already. A. ये क्या दिया मम्मी ने? Rotom phone. Okay. एक सेकेंड, रोटम फोन तो उनको देना चाहिए था डायरेक्टर वगैरह को. मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पोकेडेक्स राइट. आई डोंट नो मैन, इसमें कुछ अलग सीन चल रहा है ब्रो. पर चलो बढ़िया है, एक नया मोबाइल मिल गया हमें रोटम वाला. चलो देखते हैं कौन सा पोकेमॉन चूज करना है. ओ नाइस यार, ये एक अच्छा टच है, ये एक काफ़ी अच्छा टच है. पोकेमॉन ऐसे घूमते रहेंगे तो हम किसी को भी जाके चूज कर सकते हो, सो दैट्स प्रीटी गुड. यार इसमें मैं वो कैसे करूँगा यार, हाउ डू आई स्प्रिंट इन दिस गेम, मेरे को समझ में नहीं. ओ मेरे को फॉलो कर रहे हैं लोग. ओ डूड दिस इज सो फ्रीकिंग क्यूट मैन, सो फ्रीकिंग क्यूट डूड. इसमें आई थिंक हम पोकेमॉन को फॉलो करा सकते हैं और एक से मल्टीपल को, क्योंकि तीनों मुझे फॉलो कर रहे हैं. डूड दैट इज गुड. यार इसमें स्प्रिंट कैसे करते हैं, मुझे फिगर आउट नहीं हो पा रहा है यार. आई डोंट नो मैन. ओ ये क्या चीज़ है भाई, अच्छा मैं पीछे आके देख लिया एक बार. आई थिंक ये भी पिकअप कर सकते हैं क्या, नहीं ओके नेवर माइंड. पर यहाँ पे पोकेबॉल पड़ी हुई है, पोशन नाइस 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 नाइस. और भी कुछ होगा फिर तो यार. तुम लोग सोच रहे हो कि भाई पोकेमॉन चूज कर ले, भाई पोकेमॉन चूज कर लूंगा मैं, बट इट्स टाइम टू एक्सप्लोर फर्स्ट बॉय. ओ एक और है वहाँ पे, वहाँ पे कैसे पहुँचूंगा. ये कैमरा एंगल्स कैसे हैं भाई, अजीब से कैमरा एंगल्स हैं बहुत. ये देखो ये देखो ये देखो यार, देखो ना वर्क मोर ऑन द कैमरा एंगल्स मैन, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है, एकदम से चेंज हो जा रहा है भाई, मोशन सिकनेस हो रही है मुझे. ओके इसमें क्या है, एंटीडोट नाइस. चलो थोड़े स्टार्टिंग आइटम्स तो मिल ही गए, लाइक दैट इज ऑलवेज गुड. चलो टाइम आ चुके भाई इनमें से एक पोकेमॉन चूज करने का, एंड अकड़ बकड़ बम में बो ऑफ कोर्स. ओ ओ ओ भाई मैं तो टाइम पास के लिए कर रहा था भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा. ए ओ भाई गिरने वाली है वो. चलो मैं तो भाई क्वैक्सली चूज करने वाला हूँ, मैंने पहले बता दिया था. आई एम गोना गो विथ लिटिल क्वैक्सली. ए व्हाट, मुझे लगा मैं चूज कर रहा हूँ, व्हाट हो क्यों नहीं रहा चूज ये. आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, मैं चूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई. मुझे रोटम फोन से करना है क्या कुछ. द हैंडी रोटम फोन इज अ पॉपुलर आइटम यूज थ्रू आउट द पेल्डिया रीजन. Using the map app, you can find useful information about the Paldea region. If you move the map cursor over to blah blah blah. मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सही से यार, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, फिर मैं रोता रहता हूँ कि यार मैंने पढ़ा नहीं उसको. ओके यू कैन यूज द लेफ्ट स्टिक टू मैग्नीफाई. ओके द फ्लाइंग टैक्सी इज अ सर्विस दैट कैन बी टेकन एट सम प्लेसेस. आई थिंक ये फास्ट ट्रैवल का सिस्टम है और हमें फास्ट ट्रैवल अभी से मिला हुआ है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है ब्रो. तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा ये रोटेट होता है, नाइस. तो अभी मुझे इधर जाना है, यहाँ पे कुछ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, ग्रेट. और ये क्या है, लॉस प्लाटोस. ओके तो ये सारी हमारी ये हैं लोकेशंस. ये क्या आ रहा है, ओ डज दिस शो के मतलब यहाँ पे पोकन मिल सकता है हमें, ये तो काफ़ी सही चीज़ है. और वैसे मैं अभी से आई थिंक, अच्छा मैं अभी फ्लाइंग टैक्सी नहीं बुला सकता हूँ. ओके लेकिन मुझे लगा था मैं अभी से बुला सकता हूँ, पर चलो ठीक है. आई स्टिल वॉन्ट टू फिगर आउट कि मैं रन कैसे करूँ यार. अच्छा इससे तो मैं जूम कर सकता हूँ, एंड या ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कैसे करना है, आई हैव नो आइडिया कैसे करना है भाई रन, बट ओके आई एम जस्ट गोना गो. यहाँ पे एक पोकेमॉन ट्रेनर भी आ चुका है, मैंने अभी तक अपना स्ट्रेटजी चूज नहीं किया है ब्रो. देखते हैं क्या होता है देखते हैं क्या होता है भाई, क्या मैं तीनों पोकेमॉन से लड़ाई कर सकता हूँ. ओ नाउ आई कैन फाइनली रन. चलो बढ़िया, थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर दिस. अच्छा ये ट्रेनर नहीं है, दिस इज काबो पोको. इट्स नॉट मच बट अ लिटिल पिंच ऑफ कम्युनिटी बट इट्स होम. अच्छा ठीक है, ये ट्रेनर है क्या, पावर ऑफ साइंस वाला बंदा. अगर ये बंदा इन्होंने नहीं डाला ना गेम्स में तो फिर भाई क्या ही है गेम फिर, है सही बात है ना. यू नीड टू टेक दी थ्री पोकेमॉन टू द नेबर्स हाउस. अच्छा ओके ओके ओके, तो आई थिंक अच्छा ऐसा रहेगा, तो मेरा नेबर भी डिसाइड करेगा कौन सा पोकेमॉन लेना है और मैं भी डिसाइड करूंगा. ओके दैट मेक सेंस आई गेस. वहां पे मैंने एक पोकेबॉल स्पॉट करी है, इसको जरा जल्दी से ले लेते हैं. ऑल्सो आई लाइक कि इन्होंने कैसे मतलब ये पोकेबॉल पिकेबल आइटम्स का मतलब ये डाला हुआ है, ये लाइक वो कैसे चमकते हैं, थोड़ा अच्छा इजीली स्पॉट हो जाते हैं थोड़े से, काफ़ी सही चीज़ है.
लेट्स सी कौन रहता है भाई यहाँ पे, कौन है हमारा इस बार का राइवल। घर तो भाई अच्छा खासा है इनका। ए अरे इधर उधर चले गए सारे। अरे लड़के सेक्सी लग रहा है एकदम। स्पेगेटी टोपी यार बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है भाई। मैं ऑनेस्टली चेंज करना चाहता हूँ डिसीजन, पर नहीं यार मैं तो पैक्सली ही लेगा ब्रो। ए लड़के जला दिया तुमने उसको, खाएगा कैसे अब उसको तू। कौन आ गया ये? अरे ये है क्या हमारी राइवल? ओके सो आई एम गेसिंग ये हमारी राइवल होने वाली है। नॉट क्वाइट, मिस रिक्स हैज येट टू मेक अ चॉइस यू सी। अच्छा हाँ मैंने भी चूज नहीं किया ब्रो अभी, तू भी कर ले मैं भी करता हूँ, करती हूँ जो भी। अब उसको मत खा, पेट खराब हो जाएगा तेरा पगले। क्वैक्सली ने रोका है उसको। यार अभी वॉइस एक्टिंग होती तो कितना सही रहता है भाई, उनके हंसते हुए अपन सुनते हैं। ओके इट्स टाइम टू फाइनली चूज आवर स्टार्टर मैन। इतनी देर से मैं इधर भटके जा रहा हूँ पर टाइम आ चुका है। ब्यूनास वी हैवंट मेट इट हैव वी? वी हैवंट। आई मस्ट से आई वाजंट एक्सपेक्टिंग टू सी यू हियर क्वाइट सो सून। रियली आई मीन मैं तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा के आया हूँ ब्रो। हैंग ऑन डायरेक्टर, इज दिस हु आई थिंक इट इज? क्या मैं कोई ऐसा फेमस बंदा हूँ क्या? सर एकेडमीज न्यूएस्ट स्टूडेंट मिस रिक्स, शील बी अटेंडिंग एज ऑफ टुडे। ओह सो यू आर दैट किड हु मूव्ड अप इन द रोड? यस आई एम। और तू कौन है? आई एम निमोना, नॉर्मली आई लिव इन द स्कूल डॉर्म्स बट होम इज हियर। व्हाट डू यू से न्यू नेबर, वन ऑफ बी फ्रेंड्स? नो शिट यार मेरे को करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे ही कर दिया मजाक में। व्हाट्स रॉन्ग, डिड आई स्केयर यू ऑफ? मे बी आई कम ऑन अ लिटिल स्ट्रॉन्ग। Miss Nimona is a president of a school council and a champion ranked trainer in her own right. What? Are you kidding me? Okay. ये हमारी rival नहीं हो सकती क्योंकि हम तो बिल्कुल भी same pace पे है ही नहीं bro. In fact, we should battle right now. पागल है क्या? मैं भी अभी spoken नहीं अभी तक. पगली है भाई ये कतई. Okay, चलो देखते हैं. क्या पता हम उसको हरा भी दें. पर फिलहाल के लिए let's just pick a starter first. Have you decided on which Pokemon you are going to choose? Yes, I have. अब ले लेने दो मुझे बस, तुम रोकना मत बस अब यार. Pom. That's Quaxly, a water type Pokemon. It may seem quiet, but its mighty streams of water can put out any fire. You will see. Would you like to go with Quaxly? Yes, I would. Or, you know what? Yeah. Yes, I would. इतना ज़्यादा नहीं सोचना है भाई. इतना ज़्यादा सोचते रहेंगे ना तो कभी नहीं choose कर पाएंगे. You chose Quaxly. निकनेम मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरे को कुछ भी नाम याद ही नहीं रहने वाले वैसे भी, तो अच्छा है कि इसका ओरिजिनल नाम ही रहे जैसे थोड़ा बहुत तो याद रहे मुझे बाद में सेकंड प्ले थ्रू पे। श्योर आई मीन वी कैन रीनेम देम। ये क्यूट लग रहे हैं कितने नॉइस। पर क्या हम अब एक्चुअल में बैटल करने वाले हैं कि ये मजाक ही कर रही थी क्योंकि बोल रहे थे चैंपियन लेवल ट्रेनर है भाई, मैं थोड़ा ना उससे बैटल करूंगा। And of course, be sure ki, to keep it tucked safely inside a Pokeball. No. अरे यार ऐसे नहीं यार, मैं तो पीछे घुमाने की सोच रहा था उसको यार अपने। कर नहीं सकते क्या ऐसा? मतलब कर सकते होंगे यार, I'm pretty sure कर सकते होंगे। I can't believe you actually chose Quaxly. क्यों? I mean, like, wait to make the perfect choice for you. You to make such a good combo. ये सिंप क्यों है भाई मेरे लिए? इतनी सिंप क्यों कर रही है मेरे पे भाई? मैं क्या क्या है तू? Can I choose one of these Pokemon too, Director Clavel? But did you not receive a Pokemon when you entered the academy? Exactly, तू क्यों choose कर? यार ये cheating है भाई यार, ये ऐसे तो मेरे को भी एक और दे दो यार फिर, ये तो बहुत ही गलत है bro. तो मतलब ठीक है, मतलब ये हमारे alongside भी train कर सकती है एक और Pokemon जिससे मतलब उतना ज़्यादा level का gap ना रहे, पर फिर भी यार गलत है। तो ओके ये Quaxly चूज करने वाली है जो कि हमसे कमज़ोर होगा, तो अच्छी बात है। आई थिंक एक और हमारा राइवल होने वाला है जो कि फिर स्प्रिगेटीटो को चूज़ करेगा। बेचारी स्प्रिगेटीटो को देखो पीछे लाल आंखों से घूर रही है दोनों को, ये मैं मर डालूंगी रात को। बिल्लियाँ बहुत खतरनाक होती है भाई, पंगे नहीं लेने चाहिए उनसे। आई बी वेटिंग फॉर यू डाउन एट द बीच, कम जॉइन मी व्हेन यू आर रेडी। ओके थोड़ी पोकल वोकल खोज के आता हूँ मैं। As you may have noticed, Miss Nimona is a tad overly fond of Pokemon battling. I did not pick that up, you know. चलो अब जब इन्होंने अपने डायलॉग बाजी बंद कर दी है, मैं फाइनली भाई थोड़ा घूम सकता हूँ इधर। आई कैन एक्चुअली एंजॉय द ओपन वर्ल्ड।
ये बेरी का ट्री है क्या? नहीं, ओके, मेरे को लगा था। इसमें क्या है भैया? पोशन, नॉइस। बीच पे क्या यहीं पे गई थी क्या ये? अच्छा, ओके, मुझे एक्चुअली नहीं लगा था कि मैं वहां से गिर सकता हूँ नीचे। मैं तो आराम आराम से जाने वाला था, पर अपेरेंटली यू कैन फॉल डाउन, तो भाई थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा हमें। ऐसे तो फिर मैं यार बड़ी सी क्लिफ से गिर गया तो मर ही जाऊंगा मैं यार। ये भी हो सकता है ब्रो, कुछ कह नहीं सकते। पोशन, नाइस। हमारे पास कम से कम 3-4 पोशन तो हो ही गए हैं, तो अगर इस बैटल से कुछ भी हमें हुआ तो आई थिंक वी शुड बी ओके। यहाँ पे भी एक पोके बॉल है। अरे अपन पूरा एक्सप्लोर करता है ब्रो, अपन एक्सप्लोरेशन का किंग है ब्रो। ये क्या था? व्हाट? ओके, अपेरेंटली मैं क्राउच कर सकता हूँ, पर अगर मैं दौड़ते दौड़ते क्राउच दबाऊँ तो ऐसे मस्त वाली स्लाइड मारता है ये। नाइस मैन, नाइस लिटिल डिटेल। चलो, कैन वी एक्चुअली डिफीट हर, या फिर हम मुंह के बल गिरेंगे? सो यू रेडी फॉर द बैटल रिक्स? आई डेफिनेटली एम बॉय, आई मीन गर्ल। परफेक्टो, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बैटल। आई थिंक आई विल यूज तू ऐसा ऐसा कुछ मत चूज कर लियो 60 लेवल का। मेरे एक ही भाई, एक ही पोकेमोन से बढ़ ले मेरे से। सही में यार, हद ही करती है लड़की तो यार। ये वैसे पहली बार हो रहा है कि हमें जो ये मिल रहा है, राइवल मिल रहा है, वो एक्सपीरियंसड है। बाकी तो भाई ऐसे पगलेट से होते हैं। अब ये अगर ये एक्सपीरियंसड है, अगर ये राइवल, तो यार इसको हराने में भी आई थिंक दिक्कत आएगी जब जैसे जैसे ये लेवल अप करेगी और पोकन ऐड करेगी अपनी पार्टी में, फिर दिक्कत आने वाली हमें। नाइस, अ फर्स्ट पोकन बैटल और अ फर्स्ट राइवल बैटल यू कैन से। यूआई भाई इस बार का थोड़ा ठीक है, यूआई तो चलो दिखा दिया था उन्होंने फिर भी ट्रेलर्स में। मेरे को इतना कुछ खास तो नहीं लगा, पर आई मीन व्हाट कैन वी डू मैन। आई थिंक दे शुड, ओके, आई वाज गोना से आई थिंक दे शुड टू हिट हिम, बट आई थिंक कि 3 हिट करके ही हो पाएगा। 3 हिट से ही हो पाएगा भाई, 2 हिट से तो नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे हमने एक क्रिटिकल मार दिया तो आई थिंक सही रहे ना। नेवर माइंड, ये तो नहीं मार पा रहा मेरे को। इसका आई थिंक फायर टाइप मूव भी होगा, पर ऑफकोर्स क्यों यूज करेगा वो, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। नेवर माइंड, चलो एक ही पोकन था ना तेरे पास बस, क्या और भी है? 63 लेवल, नाइस। आई मीन 63 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, वाओ, नॉट बैड नेबर। लुक एट यू विनिंग योर फर्स्ट पोकन बैटल एवर। यू गॉट इवन मोर पोटेंशियल देन आई थॉट। थैंक यू, बट नाउ आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजी। लेट्स गो अगेन, जस्ट वन मोर बैटल। ये क्या चल रहा है भाई? ये सही में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है पोकन बैटल्स को लेके। अभी भाई वो बंदे को फुई कोको को थोड़ा रिकवर तो कर लें दे, कि पूरे ही मारी डालेगी तो उसको निचोड़ देगी पूरी तरह से। इसको पोके बंदे ना बहुत गलत भाई चॉइस थी। आई एम रियली सॉरी रिक, सेम टू योर क्वैक्सी टू। लेट्स बैटल अगेंस्ट सून गर्ल। ओह डेफिनेटली यस, मेरे को भी मतलब अच्छी लगती है, पर तेरी तरह पगलेट नहीं हूं मैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा थाम्बा थाम्बा करके बैटल करेंगे, मजे करेंगे यार। करे काउंट ऑन यू टू टेक योर न्यू स्कूल मेट हियर अंडर योर विंग, मिस नेमोना। आई मीन मैं अकेले भी चला जाता वैसे तो, पर ठीक है चलो, इतने तो गेम खेले हैं मैंने कि मैं चला जाऊँ। यू हैव स्मार्टफोन राइट? लेट मी सी फॉर अ सेकेंड। मेरा फोन नहीं छूने का ब्रो, ए मेरा फोन नहीं छूने का, मेरा फोन बहुत पर्सनल है अपने को। तो पोकेडेक्स विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर एनी पोकेमॉन यू कैच। अच्छा ठीक है जी। Back in my day, we used ordinary paper and handwritten notes to compile a book. Oh, ये भाई मेरे को लग रहा है ये क्या लेजेंड्स आरसीएस की बात कर रही है। उसमें भाई पेपर में लिखते थे पोकेडेक्स का पूरा। यार लेजेंड्स आरसीएस एक्चुअली भाई उसने पोकेमॉन का भाई पलट दिया पूरा सीन यार, और आई थिंक काफ़ी सही हुआ। मतलब पोकेमॉन को चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसी की वजह से आगे के गेम्स और अच्छे हो सकते हैं, तो ग्लैड कि पोकेमॉन लेजेंड्स आरसीएस बना। चलो ये सब हमें पता है यार, ये सब हर बार मत पकाया करो यार पोकन कंपनी हमें इससे यार। एडवेंचर चालू कराओ हमारा यार, ओपन वर्ल्ड गेम में भी ये सब इतने डायलॉग यार हद हो गई। नहीं सुनना मुझे, मैं सुनूंगा ही नहीं अब तो। अच्छा ये स्प्रिकटी टू वो लेके जा रहा है क्या? मेरे को लगा कि हमारा कोई और राइवल आएगा उसको मिलेगा, क्या पता बाद में आए, हु नोस। स्पीकिंग ऑफ पोकेडेक्सेस रिक्स, यू प्रॉब्ली नेवर कॉट अ वाइल्ड पोकेमॉन राइट? आई शो यू द रोप्स बिफोर आई टेक यू टू द एकेडमी, कम विद मी। ऐसा क्या? आई मीन यार वाइल्ड पोकन पकड़ने में क्या ही होता है ब्रो, लाइक तुम इतना भी मत सिखाओ मेरे को। प्रेस द माइनस बटन ऑन द पोकेडेक्स, ब्ला ब्ला।
यू कैन नेविगेट बाय डूइंग दिस. ओके माइनस बटन यू से. क्या है ये? पोकेडेक्स है. अच्छा पोकेडेक्स ऐप क्या है इसके अंदर? रिसेंटली कॉट पोकेमोन, रिसेंटली बैटल पोकेमोन. अरे यार ये काफ़ी सही चीज़ है वैसे. कभी कभार अगर तुम भूल जाओ कि यार तुमने रिसेंटली लाइक कौन से पोकेमोन से बैटल की थी ये सब, तो यू कैन लाइक गो बैक एंड सी. काफ़ी मस्त है. वेल ग्रेट, पोकेडेक्स में लग रहा है कि थोड़ा और एडवांस होने वाली है. सो दैट इज ग्रेट. यार यहाँ पे पता है मैं गिर गया, नहीं तो मैं और थोड़ा सा देखता सही से कि कोई पोकेबॉल और है तो नहीं. पर चलो ऐसे ही देख लेते हैं ब्रो, चल चल के. वैसे तो मैं सोच रहा हूँ आज यही तक खेलते हैं ये. हाँ ये पोकेल और ले लेते हैं. अच्छा मैं यहाँ पे आ गया देखने. और हम लोग भाई कल जाने वाले हैं होपफुली एकेडमी तक हम पहुँच जाएँ. भाई इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह ना हो तो एकेडमी तक हम पहुँच जाएँ. वहाँ पे भी बहुत बातचीत होने वाली है मेरे को लग रहा है. बट वील फाइनली गेट अर एडवेंचर स्टार्टेड मैन. और फिर हम चाहे जो चाहें वो कर सकते हैं. फिर तो ओपन वर्ल्ड हो जाएगा, तो फिर तो भाई पूरी तरह से खुला छूट हो जाएगी हमारे पास. सही है. तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आज मज़ा आया हो. मज़ा आया तो भाई लाइक वाइक मारना यार. और तुम भी मज़े करो और चिंता मत करो भाई, रेगुलर एपिसोड्स आने वाले पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट के, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट दैट इज इट गाइस. थैंक यू वॉचिंग. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट.